हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पावर प्लांट में कूलिंग वाटर को रिसाइकिल करके यूज़ किया जाता है, और ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, इधर विद द हेल्प ऑफ अ कूलिंग पॉन्ड और विद द हेल्प ऑफ अ कूलिंग टावर। सो फ्रेंड्स, हम कूलिंग पॉन्ड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो आज की वीडियो में हम कूलिंग टावर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमारे पास कूलिंग टावर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन उन पर जाने से पहले एक कूलिंग टावर का बेसिक स्ट्रक्चर और उसमें काम कैसे होता है वो समझते हैं। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे एक कूलिंग टावर का डायग्राम आ रहा होगा। सो फ्रेंड्स, कूलिंग टावर में होता क्या है और ये काम कैसे करता है वो समझते हैं। फ्रेंड्स, कूलिंग टावर एक तरह से एक हीट रिजेक्टिंग डिवाइस है जो रिजेक्ट करता है वेस्ट हीट को एटमॉस्फेयर में, जैसे कि कूलिंग पॉन्ड करता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे एक तरह से एक वुडन और मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हम हॉट वाटर को फीड करते हैं टावर के टॉप पर, और वो हमारा नीचे गिरता है टावर के थ्रू एंड ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल पार्टिकल्स में। किससे पास होकर? बेफरिंग डिवाइसेस से पास होकर। सो हम ये कह सकते हैं कि बेफरिंग डिवाइस हमारा एटमाइजेशन का काम करते हैं। फ्रेंड्स, एयर हमारी एंटर करती है बॉटम ऑफ द टावर से, जैसे कि हमारे इसमें एयर हमारी एंटर कर रही है टावर के बॉटम से, देखिए, और यहाँ से हमारा हॉट वाटर नीचे गिर रहा है। सो फ्रेंड्स, हमारी एयर एंटर करती है यहाँ से नीचे से, और उसके बाद हॉट वाटर हमारा नीचे ऊपर से गिर रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा, हमारा एयर जो है स्मॉल पोर्शन ऑफ हॉट वाटर को वेपराइज कर देती है। उसके वजह से क्या होता है, हमारा बाकी का जो हॉट वाटर होता है वो हमारा कूल डाउन हो जाता है, और वो हमारा नीचे कूल डाउन होके टैंक में कलेक्ट हो जाता है, और फिर दोबारा हम उसको रिसर्कुलेट कर देते हैं कहाँ पर, कंडेंसर में। सो फ्रेंड्स, हमारा एक कूलिंग टावर ऐसे काम करता है। नाउ फ्रेंड्स, हमारे पास फाइव टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर हैं। फर्स्ट इज एटमॉस्फेरिक, नेचुरल ड्रॉट, मैकेनिकल ड्रॉट, काउंटर फ्लो एंड क्रॉस फ्लो। अब हम इन फाइव टाइप्स को इंडिविजुअली पढ़ते हैं। नाउ द फर्स्ट टाइप इज एटमॉस्फेरिक कूलिंग टावर। फ्रेंड्स, इस टावर में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ट्रेस होते हैं जिसमें हम हॉट वाटर को डिलीवर कराते हैं टॉप मोस्ट ट्रे पे या फिर सबसे ऊपर वाली ट्रे पर। उसके बाद यहाँ पे हमारा हॉट वाटर एक ट्रे से दूसरी ट्रे पे नीचे गिरता है, और यहाँ पे जो हमारी एयर होती है वो फ्लो करती है अक्रॉस द टावर, मतलब अक्रॉस द ट्रेस करेगी। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या होगा, हम हॉट वाटर को सबसे टॉप मोस्ट ट्रे पे हम डिलीवर कराएंगे, और फिर ये हमारा एक से दूसरी से तीसरी पे ऐसे नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे हमारी एयर जो होगी भी ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे अक्रॉस ट्रेज के। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा हॉट वाटर नीचे गिर रहा है और हमारी एयर ऐसे अक्रॉस फ्लो कर रही है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, ये एयर हमारी हॉट वाटर को कोल्ड कर रही है, और ये हमारा हॉट वाटर कोल्ड होकर फिर टैंक में कलेक्ट हो रहा है टैंक में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, हम अब इस रेट ऑफ कूलिंग को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर हम नोजल्स को यूज़ करते हैं। वो नोजल्स हमारे क्या करते हैं, बड़े बड़े हॉट वाटर के पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं। नाउ द सेकेंड मेथड इज और टाइप इज नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, ये टावर हमारा स्टील और कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर का बना होता है, और यहाँ पे हम हॉट वाटर को जो सप्लाई करते हैं 9 to 12 meter हाइट पर पंप के थ्रू, और यहाँ पे जो वाटर जब सप्लाई हो जाता है तो यहाँ पे वो वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है वुडवर्क पे या फिर ट्रेज पर। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हॉट वाटर फिर नीचे गिरेगा, फॉल डाउन होगा, एंड यहाँ पे जो हमारे स्टीम वेपर्स जो होंगे हॉट वाटर में वो हमारे लाइटर है एयर से, जैसे कि हम सबको पता है, तो वो लाइटर होने की वजह से वो हमारे राइज करने लग जाएंगे अपवर्ड्स। तो इसी प्रोसेस की वजह से हमें एक तरह से एक नेचुरल ड्रॉट ऑप्टेन होगा। मतलब नेचुरल ड्रॉट का मीनिंग यही है कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना जहाँ पे हमारा प्रोसेस जो है नेचुरली हो रहा हो, हम कोई मैनुअली कुछ ना कर रहे हो, सिर्फ नेचुरली हो रहा हो सब। यहाँ पे क्या होगा, दिस विल क्रिएट नेचुरल ड्रॉट, और यहाँ पे हम जो एयर जो एंटर कराते हैं वार्म कराते हैं लोअर ऑफ द टावर से, जो हमारा एटमोसफेयर के से ओपन होता है, एंड यहाँ पे एयर जो हमारी क्या करती है, हमारी एयर कूल डाउन कर देती है किसको, हॉट वाटर को जो ऊपर से गिर रहा है, और यहाँ पे वाटर फिर वो हॉट वाटर कोल्ड होकर टैंक में कलेक्ट हो जाता है, जो हम रिसर्कुलेट कर देते हैं कंडेंसर के लिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये डायग्राम है, यहाँ पे क्या होगा, हमारा हॉट वाटर नीचे गिर रहा है, ये देखिए ये हॉट वाटर है, उसके बाद यहाँ पे क्या, ये वुडवर्क पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से ये एयर हमारी एंटर हो रही है, और यहाँ पे जो हमारी स्टीम होगी वो तो ऊपर चली जाएगी स्टीम वेपर्स, और यहाँ पे एयर हमारी एंटर हो रही है और ये वाटर गिर रहा है ऐसे। तो यहाँ पे हॉट वाटर ये एयर हमारी कूल डाउन कर देगी, उसके बाद ये टैंक में आ जाएंगे,
और टैंक से फिर कंडेंसर में चले जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर होता है ऐसे प्रोसेस इस वाले टाइप में। नाउ द थर्ड टाइप इज मैकेनिकल ड्रॉट कूलिंग टावर। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो टाइप है हमारा टावर का, ये हमारा होता तो सेम इंटरनल कंस्ट्रक्शन में किसके सेम है, नेचुरली ड्रॉट कूलिंग टावर के, पर लेकिन यहाँ पर जो हम एयर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो यहाँ पर हम नेचुरली नहीं कर रहे, वहाँ पर तो हम नेचुरली कर रहे थे, पर लेकिन यहाँ पर हम मैकेनिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। किसकी मदद से? प्रॉपर फैंस की मदद से। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर जो हमारी एयर जो प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए हमने एक फैन अवेलेबल है हमारे पास जो हमारा प्रोड्यूस कर रहा है एयर। यहाँ पे फिर वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पर वुडवर्क पे डिस्ट्रीब्यूट होगा हॉट वाटर, उसके बाद यहाँ पे एयर जा रही है, मतलब एक तरह से यहाँ पे जो हमारा ड्रॉट मिल रहा है वो हमें मैकेनिकली मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस है वो मैकेनिकली हो रहा है हमारा, किसकी मदद से? फैन की मदद से, पर लेकिन वहाँ पर हो रहा था नेचुरली, क्योंकि वहाँ पर एयर हमारी एटमोसफेयर से आ रही थी ना कि फैन से। तो यहाँ पर फिर फ्रेंड्स वही प्रोसेस है, यहाँ पे इसमें टैंक में कलेक्ट हो जाएगा और फिर ये कंडेंसर में चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा मैकेनिकल ड्रॉट कूलिंग टावर। फ्रेंड्स, अब हमारे पास दो टावर बचते हैं, वो है हमारे काउंटर फ्लो टावर एंड क्रॉस फ्लो टावर। तो फ्रेंड्स, आपके पास काउंटर फ्लो की एक स्क्रीन पे डायग्राम आ रहा होगा, तो फ्रेंड्स उसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पर हमारी एयर जो हमारी एंटर करती है फिल मटेरियल के अंदर, और उसके बाद फिर वो फिल मटेरियल से ही के थ्रू ही राइज करती है अपवर्ड। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हॉट वाटर तो हमारा ऊपर से आ रहा होता है नोजल्स के थ्रू, तो यहाँ पे हॉट वाटर हमारा नीचे गिर रहा होता है हमारे, और एयर जो हमारी ऊपर ऊपर जा रही होती है, तो उसके वजह से हमारा क्या होता है, हॉट वाटर कूल डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर को स्प्रे करते हैं प्रेशर नोजल्स के थ्रू, और उसके बाद यहाँ पे टावर के पास में, और यहाँ पे जो फ्लो होता है वो हमारा होता है फिल मटेरियल के ही थ्रू वाटर में, हॉट वाटर का भी। तो यहाँ पे क्या होगा, एयर जो हमारी नीचे से एंटर कर रही है फिल मटेरियल में ही, और यहाँ पे जो हमारा हॉट वाटर है वह ऊपर से आ रहा है किसके थ्रू, नोजल्स के थ्रू स्प्रे होकर। तो यहाँ पे वही हॉट वाटर फिर उसके बाद हमारा कोल्ड होकर नीचे चला जाता है टैंक में, और फिर वो हम उसको रिसर्कुलेट कर देते हैं कंडेंसर में। अब फ्रेंड्स, आपके पास स्क्रीन पे आ रहा होगा क्रॉस फ्लो हीट क्रॉस फ्लो टावर का डायग्राम, सो उसको पढ़ते हैं। क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर में क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो एयर जो है वाटर जो यहाँ पर एंटर करता है हमारा परपेंडिकुलरली, जहाँ पे बल्कि हमारा जो एयर होगा वो हमारा एंटर करेगा साइड वॉल से, सो हॉरिजॉन्टली। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, हमारी एयर जो हमारी राइज करेगी अपवर्ड सेंटर कूलिंग टावर के सेंटर पे से, और यहाँ पे जो हमारा क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर में क्या होगा, यहाँ पे एयर जो एंटर करती है 90 डिग्री पे टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर। तो हमारे इसका जो अगर मेन वो देखें करेक्टरिस्टिक्स इस टाइप ऑफ टावर का, तो यहाँ पे एयर हमारी एंटर करती है 90 डिग्री हॉट वाटर से, हॉट वाटर ऊपर से नीचे आ रहा है और हमारी एयर जो एंटर कर रही है 90 डिग्री पे उससे। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर दोनों टावर्स को कंपेयर करें तो यहाँ पे काउंटर फ्लो को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये हमारे स्मॉलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द क्रॉस फ्लो कूलिंग सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे ये लाइटर वेट भी होते हैं, और यहाँ पे जो सेवरल फिलिंग ऑप्शंस जो होते हैं यहाँ पे जो यूज़ किए जाते हैं सेवरल एप्लीकेशंस के लिए, वो डिपेंड करते हैं क्वालिटी ऑफ द वाटर पर, पर लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास क्रॉस फ्लो में नहीं होता। पर लेकिन फ्रेंड्स, काउंटर फ्लो के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है क्रॉस फ्लो के कंपैरिजन में, कि यहाँ पर ज़्यादा चांस होता है हमारा वाटर के फ्रीज होने का किस सिस्टम्स में, लो फ्लो रेट सिस्टम्स में। उसके बाद इनकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, हायर इनिशियल कॉस्ट होती है एंड लॉन्ग टर्म कॉस्ट भी। उसके बाद ये हमारे डिफिकल्ट होते हैं यूज़ करने के लिए वेरिएबल फ्लो मीटर्स को, अगर वेरिएबल फ्लो मीटर्स को यूज़ करें तो यहाँ पर डिफिकल्टी होती है। उसके बाद ये नॉइजर होते हैं देन द क्रॉस फ्लो टावर ड्यू टू फॉल ऑफ वाटर। ये है फ्रेंड्स इसका डिसएडवांटेजेस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट यूजफुल लगा हो सो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।